अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है इसे क्लिक करना ना भूलिएगा, नहीं तो लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट्स नहीं मिलेंगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन डॉट कॉम से। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज्ज़ा पिनव्हील्स। ये 200 ग्राम चिकन बोनलेस हैं, इसके सारे फैट्स निकाल लिए, चर्बी निकाल लिए और इसके मीडियम साइज़ पीस कर लिए हैं। दो तीन पानी से धो के नितार के 2-5 मिनट रखा था साइड पे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 टीस्पून गर्म मसाले का पाउडर, वैसे ये घर में बना हुआ है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, 1/8 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, 2 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 टेबल स्पून दही, गाढ़ी दही, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, थोड़ा सा फूड कलर। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और मैरिनेट करने के लिए 2-3 घंटे रख दीजिए या फिर ढक कर फ्रिज के अंदर रख दीजिए रात भर के लिए। चलिए आटा गूंद लेते हैं। ये 2 कप मैदे का आटा है, इसे एक बड़े बर्तन के अंदर डालिए, उसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए, 2 टेबल स्पून चीनी डालिए, शक्कर मैंने काट कर लिया है, 1/2 छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और 3-4 टेबल स्पून दही डालिए और दही से अब इसे गूंद लीजिए। जी हाँ, इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको दही कम लगे तो आप थोड़ा सा दही बेशक और ऊपर डालकर अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंद लीजिए इसे। वैसे इसकी रिटर्न रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आटा जब पूरी तरीके से सॉफ्ट गूंद लें आप, उसके बाद इस तरीके से पटकिए बार बार, समथिंग अराउंड 5 से 7 मिनट या तकरीबन 10 मिनट तक इसे पटकिए, सो दैट और अच्छा सॉफ्ट हो जाए। एक बाउल कांच का लीजिए, उसमें ये थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लीजिए और ये जो हमने आटा गूंद के रखा है ये डालकर उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और ऊपर से लगे तो थोड़ा सा और तेल डाल दीजिए और इसे फूड रैप की मदद से इसे कवर कर लीजिए और इसे गर्म जगह पे 1-2 घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। चलिए क्विकली टिक्कास बना लेते हैं। एक फ्राई पैन को गर्म कीजिए, उसमें 1-2 टेबल स्पून मस्का डालिए और ये जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये सारी डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। इन बिटवीन बार बार इसे पलटते रहिए। आप चाहें तो मीडियम के बजाय स्मॉल भी पीसेस कर सकते हैं चिकन के। जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो चेक कर लीजिए कि चिकन गल गई है कि नहीं, और चिकन गल जाए तो ये चूल्हे को बंद कर दीजिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर कोयले का टांडा भी दे सकते हैं चिकन के अंदर, मैं नहीं दे रही हूँ, वैसे मेरी रिटर्न रेसिपी में लिखा है। चलिए अब मैं एक मोटी मोटी प्याज कटी हुई डाल रही हूँ इसके अंदर और 1 मोटी कटी हुई शिमला मिर्च डाल रही हूँ। डालकर ये थोड़ा सा मसाला जो साइड पर लगा हुआ है उसमें ये ऐसा मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इन्हें जो लोहे की जो सीख बनाते हैं जिसके सिलिए होते हैं उसके अंदर एक चिकन, एक शिमला मिर्च और एक प्याज डाल के, जैसे हम टिक्कास के लिए बनाते हैं वैसा डालकर मैं इसको ग्रिल कर लेती हूँ गैस के ऊपर। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली उसके ऊपर डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से ग्रिल कर लीजिए, बार बार उसे घुमाते रहिए। ये देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से ग्रिल हो जाए तो इन्हें साइड पर रख दीजिए। 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये साफ प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल देती हूँ और ये आटे को डालकर बेल लेती हूँ। बेलना गोल नहीं है, इसे रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है और बहुत ही पतला नहीं और बहुत ही मोटा नहीं रखना है, आप उसका ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाइए, अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए। ये पिज्ज़ा सॉस मैंने घर में इंस्टेंट वाला बनाया है, आप बाज़ार से भी ले सकते हो, वैसे इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने इंस्टेंट वाला बनाया है। चलिए अब इसके ऊपर ये जो हमने चिकन के टिक्का बना के रखे थे मज़ेदार, ये सारे डाल दीजिए और उसे भी थोड़ा स्प्रेड आउट कर दीजिए। अब मैं थोड़े से पिकल्स डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह पे आधा आधा काट के उसे डाल रही हूँ। वैसे आपके पास ना हो तो आप ना डालिए, कोई बात नहीं, बट मैं हमेशा घर में रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट। और अब आपके पास ऑलिव्स हो तो आप ऑलिव्स डाल दीजिए, मेरे पास ऑलिव्स हैं तो मैं ऑलिव्स डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी जगह पर। आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा।
वैसे ये काले ऑलिव्स हैं। चलिए अब खुरच कर खूब सारी चीज़ डाल दीजिए। चीज़ आप आपके स्वाद अनुसार डालिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब आखिर में वो जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं, मैं इस तरीके से तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी दूर पे इसे बिछा देती हूँ इस तरीके से। वैसे मैंने 3 स्लाइसेस चीज़ के डाले हैं, थोड़ा सा और कम लगे तो आप श्रेड करके ऊपर चीज़ और डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी डाला है। चलिए अब मैं इसे पलटती हूँ। अब पहला वाला जो पलटोगे ना, रोल करोगे तो थोड़ा लंबा रखिए, और अब अगर थोड़ी सी ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा डालिए हाथ पर, और फिर इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल कर इस तरीके से हल्के हाथ से पलटते जाइए। इसी तरीके से एंड तक बहुत ही आहिस्ता संभाल कर पलट दीजिए, पूरा पलट जाए उसके बाद, और पीसेस करना शुरू कर दीजिए। वैसे हमें साइज़ एक ही रखनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दो दो उंगली ऊपर रख रही हूँ, तो उतनी ही मैं इंच के ये जो हैं पिज्ज़ा टिक्का पिन व्हील्स, उन्हें मैं उस हिसाब से काट रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, आहिस्ता संभाल कर बहुत अच्छे से इन्हें इस तरीके से सारों को काट लीजिए। आपने अगर चिकन को ग्रिल नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ जब चिकन डालते हैं उस स्टेज पे बिना ग्रिल किए हुए चिकन और सब्जियाँ डाल सकते हो। आप चाहें तो चिकन को श्रेड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इतने मोटे मोटे टुकड़े हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा हाथ से आपको ऐसा लगे शेप वगैरह देने जैसा, वैसा तो लगता नहीं है। चलिए अब मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अवन का बता रही हूँ। अवन के अंदर मैंने अवन की ट्रे को ग्रीस कर लिया तेल से, और थोड़ा सा ये डाल दिया सूखा आटा स्लाइट। आप चाहें सूखा आटा स्प्रिंकल करने के बजाय थोड़ा सा रवा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या दोनों ही नहीं स्प्रिंकल करके सिर्फ आप नीचे सिर्फ तेल से ग्रीस कर सकते हैं। चलिए अब मैं ये जो पिज्ज़ा पिन व्हील्स हैं इसे मैं रख देती हूँ इस ट्रे के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी दूर पे रखना है आपने। मैंने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करने 180 डिग्रीज़ पे रख दिया था। अभी चलिए मैं ये डाल देती हूँ बीच वाले रैक के ऊपर, और इसे 180 डिग्रीज़ पे बेक कर लेती हूँ 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट के बाद इन्हें अवन से निकाल लीजिए, और ये खुशबूदार गर्मा गर्म चिकन टिक्का पिज्ज़ा पिन व्हील्स को प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आप ऐसे ही गर्मा गर्म खा लीजिए, या फिर थोड़े से जो चिली फ्लेक्स हैं और ऑरिगैनो है थोड़ा स्प्रिंकल कीजिए दोनों चीज़ों को, और दोनों को मज़ेदार इन्जॉय कीजिए। चलिए अब हम थोड़े पैन में बनाते हैं। पैन को इस तरीके से तेल से ग्रीस कीजिए, चूल्हा अभी मत चालू कीजिए, और ये जो पिज़्ज़ा पिन व्हील्स है ये सारे थोड़ी थोड़ी दूर छोड़कर इन्हें रख दीजिए स्पेस छोड़कर, और चूल्हा चालू कर दीजिए स्लो पर, और इसे ढक कर पकने रख दीजिए। वैसे आप इसे स्लो आंच पर 15 से 17 मिनट तक पकाइए ढक कर। अब 15 से 17 मिनट के बाद ये देखिए हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर दीजिए और इन्हें प्लेट पर निकाल कर सर्व कर दीजिए, या फिर इनके ऊपर भी आपने चाहिए तो थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े ऑरिगैनो स्प्रिंकल करके इसे सर्व कीजिए। वैसे ट्रस्ट मी, मैंने दोनों खाए हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि ये पैन में बना है या फिर ये अवन में बना है, दोनों में ही अच्छा बनता है। वैसे ये बड़ी वाली प्लेट अवन की बनी हुई है और छोटी वाली जो है वो पैन की बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी इसमें बनी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो या फिर आपने बनाई हो तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।